हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हो? आज रमज़ान का 5 रोज़ा हो चुका है, तो ये देखिए बाबू का हम ड्रेस निकाल दिए हैं, टिफिन भी अभी निकाल दिए हैं, और ये जो मैटरी बॉक्स है, बाबू है ही नहीं, कल से दादी घर में है, तो हम बाबू का रात से वेट कर रहे थे गाइस, पर बाबू अभी तक कर नहीं आई। देखो अब कब आती है, इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक का नहीं आई है, पर मैं सब चीज़ रेडी कर दी हूँ। हाँ, बाबू अब आएगी कि नहीं आएगी नहीं पता, फ़ोन भी नहीं लग रहा है, पूरी रात भर सोए नहीं गाइस, उसके चलते इंतज़ार करते करते फिर 11 बजिया 12 बजिया नहीं आई। और वो फर्स्ट मरतबा ऐसा हुआ है, वो 3 साल की है, फर्स्ट मरतबा आज मेरे बिगड़ वो रही है दादी के यहाँ। तो देखो अब कब आती है, उसको उसे पूछते हैं कि कैसे रह ली मेरे मेरे बिना। आज ऐसा फर्स्ट मर्तबा हुआ है कि वो मेरे बिना सोई है, वो मुझे तो रात भर नींद नहीं आया, इंतज़ार करते 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 2 बज गया 1 बज गया, सोए नहीं, फिर सहरी किए, सहरी में भी नहीं सोए, अभी भी नहीं सोए, बस उसी का वेट कर रहे हैं। 8 बज गया अभी तक पर नहीं आई है, इंतज़ार कर रहे हैं। देखो कॉल भी नहीं लग रहा गाइस, सब नमनेट और सब ऑफ करके सो रहे हैं। अब उसका स्कूल जाएगी कि नहीं जाएगी नहीं पता, पर हम सब चीज़ इसका निकाल दिए हैं, वो जल्दी से आएगी, 9:15 में स्कूल है, अभी 8 बज रहा है, जैसे आएगी वो जल्दी जल्दी हम उसको रेडी करेंगे, फिर उसके चाचू छोड़ देंगे, तो जैसे पहुँचाने आएंगे तो हम बोल देंगे कि इसको लेके जाने स्कूल भी। अब देखो कब आती, वेट कर रहे हैं गाइस, जब आएगी तो हम आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे उसका रिएक्शन है मम्मी से मिलने का। ओके चलो बाय बाय, अभी हम उससे इंतज़ार कर रहे हैं आने का, चलो आप लोग को दिखाएंगे कि वो आके क्या क्या बता रही है मम्मी को, कैसे सो रही थी, अकेले उसकी नींद आई कि नहीं आई, हम आप लोग को सब बताएंगे और उसका बात भी सुनाएंगे कि क्या क्या बोल रही है, ठीक है? ओके बाय बाय। ये देखिए गाइस, बाबू तो नहीं आई, तो हम बाबू का सामान पहुंचाने जा रहे हैं नीचे। हेलो गाइस, बाबू तो स्कूल नहीं गई गाइस, हम इसको स्कूल लेके बैठे हैं, बाबू आई ही नहीं गाइस, हम इंतज़ार करते रह गए कि बाबू अब आएगी, तो बाबू नहीं आए गाइस, उसके चाचू आए और ड्रेस लेके चले गए, बुक लेके चले गए कि स्कूल दादी घर से जाएगी, पूरी रात नहीं सोए गाइस हम उसके इंतज़ार में कि सुबह आएगी तो बाबू को तैयार करेंगे, नाश्ता कराएंगे, पर वो किसी के हाथ से खाना भी नहीं खाती है, नाश्ता भी नहीं करती, पता ही नहीं वो अच्छे से खाई भी होगी कि नहीं खाई होगी। अब वो दादी घर से तैयार होकर स्कूल जाएगी, हम बोल दिए कि अब हम 12 बजे अब हम लाने जाएंगे, क्योंकि कल पूरी रात वो दादी घर में सोई है रही है, और उसके बिना तो मुझे नींद नहीं आती है, उसके बिना हम कुछ खाए नहीं कल, उसके बिना हम कुछ भी नहीं करते, सब उसके साथ ही, हम एक दूसरे के साथ ही करते हैं गाइस। तो बाबू नहीं है, हम बाबू का डॉल लेके हैं, बाबू आज स्कूल जाएगी उधरी से दादी घर से, कभी ऐसा नहीं होता है गाइस कि हो रहे, हम उसको धीरे धीरे जाने के लिए देती है कि दादी से मोहब्बत बढ़ेगा, दादी को चाचू लोग को किसी को नहीं जानती नहीं पहचानती है, तो जाने दे रहे हैं कि शायद पहचान जाए, बचपन से कभी गई ही नहीं, 3 साल हो गया, तो अब 2-3 बार गई है, फिर कल से जो गई तो रात में रह गई, अब वो रात में रह गई कैसे, वो कभी मेरे बिना कभी रही ही नहीं है, किसी के पास भी नहीं सोती, ना नानी नाना किसी के पास भी नहीं सोती है, वो हमारे पास ही रहती है, किसी के पास नहीं जाती है, पता नहीं वो कैसे रह ली और कैसे वहाँ से स्कूल भी जा रही है, तो हमें तो उसके बिना तो दिल ही नहीं लग रहा गाइस, जा रहे हैं अभी, वो चल गई है स्कूल जाने का, उसका टाइम हो जाएगा 9 बजे, तो अभी 8:30 हो रहा है, तो रेडी होके फिर शायद वो, और हम लोग उससे बात भी नहीं होता ना कि हम उसके बात कर लेंगे, उन लोग के पास उन लोग का नंबर भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जो हम उससे बात करें कॉन्टेक्ट करें, कुछ भी नहीं है, और मेरे हस्बैंड भी ना नंबर को ऑफ करके रह गए रात में कि मुझसे बात नहीं होगा तो बात कैसे बताएंगे उस अर्फ मिनाल के बारे में, हम अकेले हो गए इसीलिए बेबस होकर रो रहे थे खूब रात को, सुबह भी अभी रोए हैं,
कि बाबू अभी बोले कि नहीं आएगी, तो रोने लगे हम बहुत। तो बोले कि यहीं से स्कूल नहीं जाएगी, वो तैयार हो रही है, तभी तो उठी है, इसीलिए हम ड्रेस लेने के लिए आ गए हैं, तो जल्दी से कपड़ा पड़ा दो। यहाँ से आधा घंटा का रास्ता है मेरे घर से, 20-25 मिनट का रास्ता होगा, बाइक से 20-25 मिनट का रास्ता है। तो वो लोग जल्दी से आ गए लेने के लिए, पता नहीं अब उधर से स्कूल जाएगी वो, तो हम स्कूल लाने जाएंगे गाइस, तो फिर आप लोग को हम दिखाते हैं वीडियो। जा रहे हैं अब नमाज़ पढ़ने के लिए, रोज़ा रखे, आज 5 रोज़ा हो गया है गाइस, अल्लाह का फजल से। कितना अच्छा मौसम भी है, 5 रोज़ा कंप्लीट हो चुका है। तो चलो अब कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं, जब बाबू नहीं है तो फ्री टाइम है अभी। मेरे घर में सिर्फ हम बाबू ही रहते हैं, कोई नहीं है गाइस, अकेले रहते हैं, बहुत मुश्किल है, क्या करें, ज़िंदगी कट रहा है। तो चलो हम फिर से मिलते हैं आप लोग से स्कूल में, चलो बाय बाय। ये देखिए मेरी क्यूट सी डॉल कैसी लग रही है, ये भी मेरी प्यारी प्रिंसेस है ना, हम इसको ही लेके रात में सोए थे। तो चलो हम आप लोग से फिर से मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।